हमारे साथ एक और अभ्यर्थी जुड़े हैं, उनसे सीधा बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर आज वो बापू वाटिका के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप लोग एकजुट हुए हैं और बापू वाटिका के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मेरा नाम दीपक साहू है और मैं सिमडेगा से आया हूँ। मैं नागपुरी अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ ताकि यहाँ के लोगों को समझ में आए कि क्या हो रहा है। कि जेपीएससी जो एग्जाम होलक हमारे 7वां से लेकर 10वां तक कर उकर में इतना भारी धांधली मन भ्रष्टाचार कर दिले कि अच्छा अच्छा पढ़े वाला बर्बाद हो गए। और इकर में जे भी देखल जाते है 3-4 गो 5 गो सेंटर से एकदम सीरियली नंबर से आदमी पास होते हैं। यहाँ 1100-1200 सेंटर में से देखा थी कि 20-25 गो 30 गो ही सेंटर से रिजल्ट आवत है, बाकी से कहीं से रिजल्टे न खे। तो ये माने का होते हैं, हमारे सरकार के भी माने इके सोचे के चाहिए और इकर ऊपर जाँच उच करवाए कि परीक्षा के रद्द करे के चाहिए। और इतना साल बाद एग्जाम ले कि ऐसा धांधली बहुत माने हमके अफसोस लगेगा कि हमें झारखंड में पैदा ले ही। आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? अब आप लोग हेमंत सरकार को बोल रहे हैं, अब आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? इससे पहले भी आप लोग सीपी सिंह से मिल चुके हैं, आप लोग झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से भी मुलाकात किए हैं, आप लोग जेपीएससी कार्यालय भी गए हैं, अब आगे की आप लोगों की क्या रणनीति होगी? आगे हमारे मन पूरा आंदोलन तो करते हैं और सब नेता विधायक से मिले थे, लेकिन खाली मन आश्वासन के देते हैं। तो अरे भाई, आश्वासन दिले का हो तोरे सरकार में आगे आए कि के तोरे बात के मुख्यमंत्री जैसे रखा। मुख्यमंत्री कर तो आता ही पता नहीं रहन, कौन दुनिया में कोने कोने चलते रहन बोलते रहे ना। और माने कहीं जन्मदिन मनाए तो कहीं पर्व मनाए, यह में फुर्सत आए के छात्र मन कर का स्थिति है के देखे कर तो फुर्सत न के। तो जे जे नेता विधायक मिले थे से के कही ला आश्वासन दे ना और मटिया देना। तो हमारे आंदोलन तो एखन बहुत माने चलते है रही और जब तक हमारे मांग पूरा नहीं हो, ये रिजल्ट रद्द नहीं हो, तब तक हमें एकदम जोरदार आंदोलन करब, आमरण अनशन करब। यह आंदोलन मोर खेप पिजाप वह ठीक रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष उन्होंने घोषित किया है, लेकिन अब नवंबर पार होने वाला, नवंबर आ गया है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये कोनो नहीं करे, इकर देखल जाए 2 साल से तो ये कहा थे कि कखन 5,000 देमू, कखन कहल 5 लाख नौकरी दे देमू, कहल एखन 15 एखन कल परसू पेपर में आए कि 15 तारीख के मैं नियुक्ति पत्र देमू। के दे परीक्षे नहीं हुई है तो के नियुक्ति दे पते नहीं लागत है, कैसे का करे इकर तो माने का कहल का नहीं। 31 अक्टूबर तक ही नियमावली मांगलक उकर भी कोनो इकर बात के तो अधिकारी मन सुनबे नहीं करत है। मौके तो लागे एकदम पंगू ये माने हमारे जितना स्टेट है जितना मंत्री मुख्यमंत्री है सबसे घटिया ही मैं देखा तो हमारे माने मुख्यमंत्री सबसे घटिया मौके महसूस होता है। उन्होंने कहा था अपने चुनावी वादे में भी कहा था कि जितने भी बेरोजगार हैं उनको वो रोजगार देंगे, लेकिन अब आप लोग सड़क पर आ गए हैं, तो क्या लगता है आप लोगों का जो विश्वास था मुख्यमंत्री पे वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है? पूरा एकदम खत्म समझ में आवत है। आप देखा थी लास्ट मौका है कि अब परीक्षा जो लेलक एगो मुश्किल से सैकड़ों रिजल्ट में इतना भयंकर धांधली कर दिलक कि पता लगा था कि का हमें करे, इकर से माने उम्मीदें पूरा खत्म हो जाते। ये लागल कि का जिन कौन मनहूस समय में इके हमरे मन वोट भाट दिली और ये माने गद्दी के धरलक। मोदी ठीक बोले कि भाई पकौड़ी छाना, वह चीज अब हमें उनके करे कोई। इनका तो इकर तो दुकान भी है किराना कर, वो किराना दुकान में बैठी, अब मौके नया दुकान खोले के पड़ी, अब का करब देखब आगे। क्योंकि जैसा नहीं मन एग्जाम लेवत है फेयर तो कहीं होत न खे, सबके अपन बदनामियों करवात है शुरू से लेके 6ठा से लेके 7वां तक, और 7वां के तो ऐसा बेचल है कि परेशानी में सब पड़ गए हैं। जितना इमन सब इंटरव्यू देवल लड़का मन के सब एक रोड में घूमत है। मतलब अब ये कह सकते हैं कि जेपीएससी से अब हम लोगों को अपना विश्वास उठा लेना चाहिए क्योंकि अब ये बेचाने लगा है? विश्वास तो बहुत पहले उठ रहे हैं, लेकिन एगो रहे कि भाई एज बाँचल है तो लिखा थी परीक्षा, कहीं ना कहीं हमें मन भी खेप जाओ, शायद और कोई मिल जाए सेटिंग करे वाला तो हमें मन भी कर ले, लेकिन मौके नहीं मिलत है। पता नहीं के आवेल कहाँ से सेटिंग करें, समझ नहीं आते। अध्यक्ष बाबू अगर पते न के मुख्यमंत्री कोई जवाब नहीं देवत है, सचिव कोई जवाब नहीं देवत है, हमें मन प्रत्यक्ष रूप से राखा थी कि भाई रिजल्ट में गड़बड़ी है इकर जाँच करल जाए, तो इसमें भी जवाब नहीं कोई। हमेशा देखा जाता है कि जेपीएससी जब भी एग्जाम होता है विवादों में ही रहता है, कई विवाद तो अभी तक कोर्ट में है, उसके बाद जब भी एग्जाम होता है कभी प्रश्न पत्र को लेकर विवाद, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? जैसा हमारे मन मांग है कि हमें मन कहा थी कि भाई के यूपीएससी से कंडक्ट कराई ले, क्योंकि उकर कोई विवाद नहीं रहे,
ना पर्सन पर्त गलत रहे, आंसर गलत रहे और रिजल्ट भी समय पर आवत है, वैकेंसी भी समय पर आवत है। क्योंकि ये छोटा राज्य अगर पांचवी अनुसूची में ये शामिल है तो यहाँ अगर आदमी का उद्धार होक चाहिए नी, ये बाहर का आदमी मन SDO BDO बना था और हमें मने उमन पीछे चला थी। तो इस चीज आह्वान करती सब जे भी हमारे छोटा नागपुर का आदमी मन हक है, साथ देवे इस बार, थोड़ा बड़ा आंदोलन करें और थोड़ा सा सुधार करें, कोशिश करें भाई। मतलब आप लोग इससे बड़ा भी आंदोलन करने का सोचे? हाँ, प्लानिंग हो गया है, वो हम लोग 16 नवंबर से घेराव कर रहे हैं JPSC का और सभी लोग उसमें एकजुट हो रहे हैं छात्र। कितने लगभग कितने अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे? 2.5 लाख लगभग स्टूडेंट थे तो उसमें तो 4200 ही रिजल्ट है, तो लगभग सारे फेल कर गए हैं। फिर भी हम लोग की आशा है 10,000 आसपास स्टूडेंट आएंगे। क्या लगता है जो सफल हुए हैं अभ्यर्थी वो आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे या फिर मेंस का परीक्षा देंगे? एक दो तो आए हुए हैं, सफल हैं, वो बोल रहे हैं कि रिजल्ट की अगर रद्द की मांग की जा रही है तो ये भी मांग की जाए कि जो दोषी पाया जाए उसको निलंबन किया जाए और जो स्टूडेंट ऐसे पाए जाए उनको बर्खास्त कर दिया जाए हमेशा के लिए। अभी हमारे साथ JPSC के कुछ असफल अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि JPSC के PT परीक्षा परिणाम को सरकार जल्द से जल्द रद्द करवाए क्योंकि PT परीक्षा परिणाम में बहुत सारी गड़बड़ी देखने को मिल रही है, तो सरकार इस ओर जल्द से जल्द कुछ करे और PT परीक्षा परिणाम को रद्द करे। इन लोगों का ये भी मांग है कि जाँच का एक विषय है क्योंकि एक ही कक्षा से सीरियली वाइज लोग पास हुए हैं। अब देखना यही होगा कि सरकार इस ओर क्या पहल करती है और इन लोगों की मांग को कब तक पूरा करती है। कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बायोस्कोप रांची।